होली, होली पर्व इस तरह मनाएं, इसी शुभकामनाओं के साथ आप सभी युवा साथियों का YouTube चैनल के माध्यम से भावभरा स्वागत करते हैं और एक भावभरा निवेदन करते हैं कि होली पर्व हम इस तरह मनाएं और समाज को स्वच्छ बनाएं। आज अपने व्यक्तिगत जीवन को, पारिवारिक जीवन को और समाज जीवन को होली के माध्यम से हम अपने नफरत की दीवारों को समाप्त कर सकते हैं, समाज से घृणा को दूर कर सकते हैं, व्यक्तिगत जीवन को हम बुराइयों से बचा सकते हैं। होली इसी पर्व का प्रेरणा प्रदान करती है। होली में कहते हैं होलिका जो प्रहलाद को जलाना चाहती थी वह स्वयं जल गई और प्रहलाद से वह जीवित निकल गया। होलिका कौन है, हिरण्यकश्यप कौन है और प्रहलाद कौन है? मित्रों, होलिका दुष्प्रवृत्ति का प्रतीक है और हिरण्यकश्यप जो दुष्प्रवृत्तियों का पोषण करने वाली जो ब्रांडेड कंपनी है, जो इस राष्ट्र, समाज और संस्कृति को, पारिवारिक जीवन को उलझाना चाहता है, बर्बाद करना चाहता है। लेकिन प्रहलाद उस नौजवान का प्रतीक है, प्रहलाद उस भगत सिंह का प्रतीक है, वो राष्ट्र के युवा शक्ति का प्रतीक है जो विपरीत परिस्थितियों में जो देश, धर्म, संस्कृति और अपने जीवन को ऊंचा उठाने के लिए प्रयत्नशील रहता है। ऐसे प्रहलाद को हम अपना रोल मॉडल स्वीकार करें होली के पावन पर्व पर, और होली के पावन पर्व अपने जीवन को देखें कि यह अश्लीलता निवारण पर्व है। लेकिन आज होली के पावन पर्व पर देखा क्या जाता है, सबसे ज़्यादा अश्लील गीत, गंदे गाने, फिल्मी चित्र और माँ बहनों को लाज बचाने वाला जो पर्व था, आज होली के पावन पर सबसे ज़्यादा बहनों को लज्जित होना पड़ता है, शर्मिंदगी महसूस करनी पड़ती है। क्योंकि आज सभी लोग कहते हैं कि खाए के पान बनारस वाला खुल जाए बंद कल का ताला, लेकिन लगता है कि बनारस का पान खाते खाते बंद कल का ताला खुला नहीं बल्कि और लॉक हो गया। आज लोगों को समझ में नहीं आ रहा है कि ऐसे ऐसे गंदे गाने, फिल्मी गीत जब हम समाज में बजा रहे हैं, डीजे का साउंड युवक कली हर गांव में देखिए तो वो लोग रिजर्व कर लेते हैं पहले दो चार दिन से, और पूरे जोर शोर से जहां सरकार के मापदंड के अनुसार 60 डेसिबल में जो साउंड बजाना था उसको 100 डेसिबल में बजाते हैं और पूरे सब लोगों की नींद खराब करते हैं। और ऐसे गंदे गाने, फिल्मी गीत जिनसे हमारी माँ बहनें होली के पावन पर्व पर समरसतापूर्वक होली नहीं मना पाती हैं। इसलिए नौजवान साथियों, आज इस देश को खतरा उस अंग्रेजों से नहीं है, आज इस देश को खतरा उस यौनों से नहीं है, आज इस देश को खतरा अश्लीलता से है, आज इस देश को खतरा बुरे विचारों से है। और होली के पावन पर्व पर इस महान विरासत को हम लोगों ने ऐसा कलंकित कर दिया, इसमें नौजवान साथियों का सीधा सीधा बहुत जबरदस्त हाथ है। युवा साथियों के अंदर जोश है लेकिन होश नहीं है। हम लोगों का बंद कल का ताला पूरी तरह से लॉक हो गया है, समझ में नहीं आ रहा है हमको क्या करना चाहिए। जो माँ बहनों को लाज बचाने का इस देश को, नौजवानों के ऊपर जो कंधे पर भार था, जो नौजवान को अपना रोल मॉडल प्रहलाद को मानना चाहिए था, उपमन्यु श्वेतकेतु अष्टावक्र को मानना चाहिए था, भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु को मानना चाहिए था, आज के नौजवान अपना रोल मॉडल किसको विकसित करते हैं, किसको चुनना चाहते हैं, उसको जो हमारी माँ बहनों के सिट्टी बजाता है, हमारी माँ बहनों के लिए गंदे गंदे चित्र रचते हैं और उसके निकल करके एक दिन के लिए अपने आप को हीरो के रूप में साबित करते हैं। लेकिन हीरो वास्तव में वो नहीं है मित्रों। हमारे देश के हीरो तो भगत सिंह थे, हमारे देश का हीरो तो 6 वर्ष का धूर्व, प्रहलाद, उपमन्यु, श्वेतकेतु और अष्टावक्र थे, हमारे देश के असली हीरो तो स्वामी विवेकानंद थे। इसलिए नौजवान साथियों, होली के पावन पर्व पर आप लोगों से यह हम अपील, भाव और अपील करना चाहते हैं कि होली में अपने दुष्प्रवृत्ति, अपने व्यक्तिगत जीवन में जो निगेटिव है, अपने जीवन में जो विचारों का जहर घुल गया है, उसकी होली का दहन करने का जरूरत है। केवल उसमें लकड़ी और उसमें किसी का घर का पुआल और किसी के घर का छप्पर खींच तीर करके होली में जलाने का पर्व नहीं। होली का एक हमारे देश का वो एक सामूहिक यज्ञ का नाम था, जिस यज्ञ के माध्यम से दुष्प्रवृत्ति का लंका जला करके, दुष्प्रवृत्तियों का, दुर्गुणों को होली जला करके अपने अंदर सत्प्रवृत्ति का संवर्धन किया जाता था, अपने अंदर के दुष्प्रवृत्ति का उन्मूलन करके अपने जीवन के सच्चाई को उजागर करने का पर्व था, अपने जीवन के बुराई को होम करके अपने जीवन को अच्छाई की ओर ले जाने का महापर्व का प्रतीक था ये होली। लेकिन व्यक्तिगत जीवन में आज होली को किस लिए, व्यक्तिगत जीवन में गंदे गाने, फिल्मी चित्र, फिल्मी गीत, एंड्रॉयड मोबाइल, उसमें पाम वीडियो, उसमें बहनों को नंगा करने वाले एक से एक गंदे चित्र, फिल्मी गंदे गाने, ऐसे भरे पड़े हैं हमारे व्यक्तिगत जीवन में। आज लगता है कि हमारी माँ बहनें, ये कहिए कि जो देवी के रूप में चित्रित होती थी, जो सभी सरस्वती, लक्ष्मी, काली, दुर्गा के रूप में समाज का नेतृत्व करती थी, आज अपने ही भाइयों के द्वारा, अपने ही नौजवान साथियों के द्वारा
आज उनके साथ दुर्व्यवहार किया जा रहा है, उनको कलंकित किया जा रहा है, उनके साथ दुष्कर्म की घटनाएं हो रही है, उनको कलंकित करने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। इसलिए होली के पावन पर्व पर है नौजवान साथियों, जिस तरह अपने बहन के प्रति हम भाव रखते हैं, श्रद्धा रखते हैं, उसी तरह समाज की बहु बेटियों की भी रक्षा करना हम प्रगतिशील युवा लोगों का एक परम कर्तव्य है। पारिवारिक जीवन को आज में आज जो गृह कलेश मचा हुआ है, आपसी वैमनता कटु की भावनाएं गिर गई है, वो पारिवारिक जीवन में जो वसुधैव कुटुंबकम था, जहां संयुक्त परिवार रहा करते थे, जिस देश में दादा दादी माता पिता कहिए पोता पोती का एक लंबा संयुक्त परिवार रहता था, आज पारिवारिक जीवन टूट रहे हैं। हम दो हमारे दो और माँ बाप को धक्का दो। आज व्यक्तिगत जीवन जो हमारा इस तरह का टूट रहा है नौजवान साथियों, परिवार को संयुक्त करने का महापर्व था। होली में सब लोग, ना कोई बैकवर्ड होता है, ना कोई फॉरवर्ड होता है, ना कोई सेठ होता है, ना कोई गरीब होता है, हर नर नारी अमीर गरीब सब एक साथ भेदभाव नफरत की दीवारों को आउट करते हुए एच फॉर हेट, हेट ओ फॉर आउट, और पारिवारिक जीवन को सुदृढ़ बनाता था। जब व्यक्तिगत जीवन हमारा सुव्यवस्थित होता था तो पारिवारिक जीवन सुव्यवस्थित बनाने की जिम्मेदारी हमारे होती थी, और व्यक्ति और परिवार जब दोनों ठीक हो जाए तो ही समाज की तोयिका, यह समाज अपने आप ठीक होता चला जाता था। लेकिन आज व्यक्तिगत जीवन भी आज दुष्प्रवृत्ति के चक्र में फंसा हुआ है, पारिवारिक जीवन कहिए टूट के कागार पर है, और सामाजिक जीवन का भेदभाव की दीवारों के चक्र में मकड़ जाल में आज हमारा सामाजिक दीवार ढहता दिखाई पड़ रहा है। आज ऊंच नीच, बैकवर्ड फॉरवर्ड, हरिजन वरिजन, ऊंच नीच की दीवारों के चक्र में आज पूरी तरीके से राजनीति के उस कुचक्र में फंस करके आज हमारे देश की समरसताएं समाप्त हो रही है। ना प्रगतिशील राजनीति आज रोल मॉडल के रूप में दिखाई पड़ रहा है, ना धर्मतंत्र दिखाई पड़ रहा है। इसलिए ऐसे समय में हमको भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, महाराणा प्रताप, शिवाजी की तरीके से, प्रहलाद के तरीके से प्रगतिशील नौजवान साथियों को आगे आने की जरूरत है। राष्ट्र धर्म संस्कृति पर जब जब हमले होते हैं, जब जब संस्कृति हमारी कराहती है, जब जब यह समाज और राष्ट्र बिखरता है, तब तब यहाँ प्रहलाद की जरूरत पड़ती है, तब तब समाज में एक रोल मॉडल स्वामी विवेकानंद की जरूरत पड़ती है। इसलिए अखिल विश्व गायत्री परिवार के युवा वर्ग से जुड़े हुए नौजवान साथी लोग जिस तरह अपनी मर्यादा में रह करके माँ बहनों के मान सम्मान का ख्याल रखते हुए समाज में एक प्रगतिशील होली के पावन पर्व की प्रेरणा को स्थापित करने के प्रयत्नशील हैं, उसी तरह आप तमाम नौजवान साथियों से भावभरा अपील करते हैं। आम तमाम नौजवान साथियों से हम ये अब गुजारिश करते हैं कि आज के होली के पावन पर्व पर अपने अंदर हम सत प्रवृत्ति का संवर्धन करें। लव, लव किसको करें? लव का एक छोटा स्वरूप नहीं है, लव केवल वो नहीं है कि बगल वाली है उसके प्रति कुत्सित भाव को लव कहते हैं। लव प्रेम, प्यार और संस्कृति से होता था। लव तो हमारे देश में प्यार और सहकार की परंपरा तो हमारी संस्कृति में सबसे पहले माँ से शुरू हुआ। तमेव माता च पिता तमेव, तमेव बंधु च सखा तमेव। क्यों? क्योंकि एक माता के बिना हमारे जीवन की कोई कल्पना नहीं हो सकती, पिता के सहयोग के बिना हमारे जीवन का विकास नहीं होता है, बंधु बांधव और सखा के बिना हमारे जीवन में सहयोग और सहकार नहीं हो सकता है। इसलिए हमारी संस्कृति कहा, अगर प्रेम करना है मित्रों तो सबसे पहले अपनी माँ के प्रति करो, अगर प्रेम का भाव पैदा करना है तो बहन बेटियों के प्रति पैदा करो, प्रेम का भाव पैदा करना है तो गाँव की जितनी भी बहनें हैं वो हमारी अपनी बहन के समान है। मातृवत परदारेषु पर दर्व लोष्टवत आत्मवत सर्वभूतेषु, इस पर हमारी संस्कृति टिकी हुई थी, इस तरह से हमारी संस्कृति आगे बढ़ रही थी। लेकिन आज वो सारा चीज समाप्त हो गया है, आज संस्कृति और संस्कार हमारे जीवन में समाप्त हो गया है। इसलिए नौजवान साथियों के बंद कल के ताला को खोलने के लिए फिर से हमारे युग ऋषि परम पूज्य गुरुदेव पंडित राम शर्माचार्य जी ने संकल्प लिया है कि युवा शक्ति को हम स्वस्थ बनाएंगे, युवा शक्ति को शालीन बनाएंगे, युवा शक्ति को स्वावलंबी बनाएंगे और युवा शक्ति को श्रेष्ठ बनाएंगे, संपन्न बनाएंगे, स्वावलंबी बनाएंगे, ताकि हमारा राष्ट्र, हमारा समाज, हमारी संस्कृति एक अच्छाइयों की ओर उड़ सके। क्योंकि किसी कवि ने कहा है, जिस ओर जमाना जाता है उस ओर जमानी जाती है। आज की जवानी बुराइयों की ओर जा रहा है, आज की जवानी नशा की ओर जा रहा है, आज की जवानी फिल्मी गीतों की ओर बढ़ रहा है, आज की जवानी दुष्प्रवृत्तियों की ओर बढ़ रहा है, आज की जवानी माँ बहनों को कलंकित करने की ओर बढ़ रहा है, आज की जवानी दुष्प्रवृत्ति की लंका में डुबकी लगाने के लिए तत्पर है। वैसे समय में हमारे मिशन अखिल विश्व गायत्री पार ने आह्वान किया है कि फिर से इस देश को नौजवान चाहिए भगत सिंह के जैसा, इस देश को नौजवान चाहिए खुदीराम बोस जैसा, इस देश को नौजवान चाहिए स्वामी विवेकानंद की तरह, इस देश को नौजवान चाहिए
उन रणबांकुरे की तरह, छत्रपति शिवाजी की तरह इस देश को नौजवान चाहिए। भक्त प्रहलाद की तरीके से हम अपने किस रोल मॉडल में खड़ा करना चाहते हैं? अगर सत्प्रवृत्ति के पक्ष में हम खड़े होते हैं तो ऐसे नौजवानों के लिए पूरी दुनिया इस आशा भरी नज़रों से देख रही है। इसलिए ये नौजवान जवानी को सृजन की ओर मोड़ना है। इस होली के पावन पर्व पर घृणा को बाहर करें, नशा को बाहर करें। आज हमारे युवा पीढ़ी में नशा का एक घुन लग गया है। बड़ी तेजी से इस देश का अनपढ़ आदमी, गरीब नौजवान हिंदी पी रहा है, और पढ़ा लिखा जो नौजवान है, अमीर घरों के जो बच्चे अंग्रेजी पी रहे हैं। आज जिस देश में घी दूध की नदियां बहती थी, वहां नशा की नदियां बह रही है। होली के पावन पर हमारे नौजवान साथी लोग संकल्प लें कि होलिका का जब दहन करेंगे अपने गांव में, तो जो भी नशा हमारे जीवन में है, जो निगेटिविटी है, उसको होली जला देंगे, उस सीसी को उसी में जला देंगे, उस गुटखा के पाउच को उसी में जला देंगे, उस बीड़ी सिगरेट को उसी में जला देंगे, और व्यसन मुक्त जीवन जीने का संकल्प लेंगे। जिस तरह संकल्प लिया था देश के नौजवान, अंग्रेजों भारत छोड़ो, आज के नौजवान इस होलिका के पावन पर्व पर संदेश ले, नशा भारत छोड़ो। अर्थात उसकी शुरुआत कहाँ से होगी? तो इस बार जो महाक्रांति होना है वो नौजवान के जीवन से शुरू होगा। और वो नौजवान कौन होगा? तो वह हम होंगे। वह क्रांति की शुरुआत सबसे पहले अपने जीवन से शुरू करना पड़ेगा। हम बदलेंगे, युग बदलेगा। हम एक चोर 10 चोर को बना लेता है, एक लंपट नौजवान 10 साथियों को खोज लेता है, एक बीड़ी पीने वाला नौजवान 10 नौजवानों को इकट्ठा कर लेता है। क्या हम एक नौजवान आगे बढ़कर के सत्प्रवृत्ति का संवर्धन नहीं कर सकते? एक नौजवान आगे कदम बढ़ा करके 10 नौजवान को सहमत नहीं करा सकते कि नौजवान साथियों, हम नशा नहीं कर रहे हैं, आप भी हमारे साथ होइए। नशा आपके जीवन को बिगाड़ रहा है, आपके जीवनी शक्ति को खोखला कर रहा है, आपकी जवानी को दुर्घटना की ओर ले जा रहा है। जवानी के पहले बुढ़ापा आपके जीवन में आ रहा है। जो नौजवान कभी निवासी वर्ष में गोस्वामी तुलसीदास बनकर रामचरितमानस की रचना करता था, जो नौजवान 118 वर्ष में तैलंग स्वामी बनकर समाधि की यात्रा पर जाते थे, वह नौजवान आज 25 साल 30 साल में ही उसके जवानी को घुन लग चुका है, बीमारी लग चुकी है। इसलिए हे नौजवान साथियों, होली के पावन पर्व पर आप 3 संकल्प लें। पहला संकल्प लें कि हम अपने अंदर सद्बुद्धि का संस्कार पैदा करेंगे, और सद्बुद्धि के संस्कार पैदा करने के लिए प्रतिदिन आप गायत्री महामंत्र की उपासना करें। गायत्री महामंत्र भगवान सूर्य का मोबाइल नंबर है। प्रतिदिन आप सूर्य का मेडिटेशन करते हैं और गायत्री महामंत्र का जप करते हैं तो आपके जीवन में सद्बुद्धि का अवतरण होगा। जैसे प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से वृक्ष वनस्पतियां प्राण महाप्राण से जुड़ करके एक अनाज को 100 दानों में बदलती है। आम का पौधा आज पूरी तरह से मंजर से लद गया है, उसी तरीके से यदि अपने जीवन में सत्प्रवृत्ति के मंजर से अपने आप को भरना चाहते हैं, बसंत बहार के कोयल की कूक की तरीके से, पलाश की फूल की तरीके से अपने जीवन को यदि सजाना चाहते हैं, तो आप गायत्री महामंत्र की उपासना अवश्य करें, गायत्री मंत्र की साधना अवश्य करें। और माँ बहनों की लाज बचाने के लिए गंदे गाने फिल्मी गीत को, आपकी सीडी वो होली के गीत को उसी होलिका में दहन करें और अपने जीवन को व्यसन मुक्त बनाएं। नशा को छोड़ेंगे और अपने जीवन को अच्छा बनाएंगे। व्यसन छोड़ें और सृजन से नाता जोड़ें। दूध दारू पीना छोड़ दो और दूध से नाता जोड़ लो। इसी कामना के साथ गुटखा सिगरेट बीड़ियाँ ये मौत की है सीढ़ियाँ, इस सीढ़ी को हम नेस्त्रबुद्ध करेंगे और विकास की सीढ़ी की ओर बढ़ेंगे, सृजन की ओर बढ़ेंगे, अच्छाइयों की ओर बढ़ेंगे। और प्रहलाद की तरीके से हिरण्यकश्यपु के साम्राज्य में हम अंगद की तरह अपना पैर जमाएंगे, दुष्प्रवृत्ति की लंका में हुंकार भरेंगे कि हे नौजवान साथियों, अब नशा करने वाले नौजवानों का जमाना जाने वाला है। नशा करने वाले नौजवान की हालत कैसी होगी? तो मोकामा घाट की तरीके से, बाहर से भले वो फिट फैट दिखाई पड़े लेकिन अंदर से उनका जीवन मोकामा घाट की तरह होगा, उनके जीवन का कोई लक्ष्य नहीं होगा। नशा करने वाले नौजवान की बुद्धि की बंदकल का ताला, चाहे जितना वो गुटखा खा लें, जितना बीड़ी पी लें, लेकिन उसके बंदकल का ताला खुलने वाला नहीं है। उस ताला को खुलने की एक ही मास्टर चाबी है, उसका नाम है गायत्री महामंत्र की उपासना। गायत्री के महामंत्र से जीवन का सब पाप हरो और सुंदर सुखी बनेगा जीवन, गायत्री का जाप करो। इसी शुभकामना के साथ होली H फॉर हेड, O फॉर आउट, L फॉर लव, I फॉर इन। धन्यवाद, शुक्रिया, नमस्कार।